के रहेंगे। बस यार अब एक रूल है, आपको पता है, एक और के अंडर दो टीम नहीं रह सकती, तो तुम समझ रहे हो। समझ रहे हो, समझ रहे हो। आपने देखा होगा गोल्डा एक जो रेस्टर है बीजेएमआई का, रुको इधर कुछ लगा हुआ है। हाँ तो वो हमने मतलब डिसबैंड तो नहीं यार, वो तो एक वर्ड है, डिसबैंड वगैरह जो भी है ना वो हो चुका है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, मतलब मैं वो भी रिवील नहीं करूँगा। बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं। और आपको तो पता है यार, ये जो अपनी करंट टीम थी वो वन ऑफ द बेस्ट, अभी करंट मैं तो बोलता हूँ, अभी करंट जैसे स्पोर्ट्स चल रहा था ना उसमें भी टॉप पे टीम थी, बेस्ट थी। अब आप सोचेंगे कि यार इतनी अच्छी, इतनी बेस्ट टीम तूने क्यों रिलीज कर दी, है ना। तो गाइज यार बहुत सारी चीज़ें हैं, और मतलब एज अ ऑर्ग ओनर और भी बहुत सारी चीज़ों का सोचना पड़ता है। वैसे ऑब्वियसली कोई ना कोई टीम आएगी गॉड लाइक में, लेकिन अभी कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं है, मतलब यू नो वेरी वेल गाइज की है ना। बाकी बाकी तो मैं कुछ ये कुछ अलग नहीं कहने वाला। देखो गाइज, इमोशंस में डिसीजन नहीं लिया गया, पूरा सोच समझ के ये डिसीजन लिया गया हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ, तुम समझ रहे हो गोल्ड लेक कब से है ना, अभी तक हमने कोई भी ब्रांड स्पॉन्सर गोल्ड लेक के लिए साइन नहीं करा। क्यों? उसके पीछे भी रीजन थे। एक तो यार बहुत सारे ब्रांड शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं कुछ, मतलब तुम हाँ सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मेरी पूरी मौके से बात हुई, अलादीन रहे, सब सब लोगों से बात हो रखी है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हाँ तो देखो गाइज, बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स हैं। और मेरा देखो एक बात बताता हूँ, मेरा एक ड्रीम है जो कि मैं पूरा करना चाहता हूँ। और गाइज मैं एक बात बताता हूँ, मेरा जो ड्रीम होता है, जो मैं डिसाइड करता हूँ, उसको पूरा किए बिना मैं कभी भी पीछे नहीं हटता, ठीक है। तो जो भी अभी डिसीजन दिया हुआ ना, ये मेरा मतलब मैं मानता हूँ कि एज अ प्लेयर उनको बुरा लगा लगा होगा, ऑब्वियसली मुझे भी बुरा लगा हुआ है, क्योंकि इतनी अच्छी टीम, मतलब स्मोकी जैसा प्लेयर आज तक गॉड लाइक स्पोर्ट्स में कभी नहीं था, मतलब मैं स्मोकी की बात कर रहा हूँ, उस बंदे जैसा लॉयल प्लेयर कभी भी गॉड लाइक स्पोर्ट्स में मतलब नहीं था अभी तक। और वो मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल प्लेयर है स्मोकी, एज अ ह्यूमन बींग भी और एज अ प्लेयर भी, ठीक है। और ये दिल से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो स्मोकी को पता है यार, उसको मैं कब से जानता हूँ, जो भी है ना। तो मैं आपको बताता हूँ, अब स्मोकी को मैंने बोला था तेरे को रहना है गॉड लाइक में, तू रह सकता है, जो भी है, जो हमारी न्यू टीम आएगी उसमें मतलब जो भी है, मतलब मैंने उससे वो बात कर ली थी। लेकिन एज यू नो गाइस, वो एक टीम के साथ है, तो जाएंगे तो चारों प्लेयर जाएंगे ना साथ में, है ना। अब उनकी टीम तो ब्रेक नहीं होगी, और मैं तो हमेशा उनको मैंने यही सजेशन दिया है कि तुम्हारी जो टीम है, करंट टीम, उसको तुम ब्रेक मत करना, साथ में रखना, क्योंकि ये टीम बहुत आगे जाके मचा सकती है और बहुत सारी चीजें। अब आप सोचोगे कि इतनी अच्छी टीम थी तो तूने क्यों तोड़ी, है ना। मैंने तोड़ी नहीं, मतलब क्यों रिलीज करी, या फिर मतलब गाइस एक बहुत सारी अनाउंसमेंट है जो अभी आएगी अगले 60 डेज में, मतलब मान के चलो डे बाय डे, वीक बाय वीक, बहुत सारी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट आने वाली है, बहुत सारे प्लान्स हैं। और मैं चाह कर भी, मतलब मेरे साथ भी और डिसीजन लेने वाले होते हैं, तो मैं चाह कर भी मतलब नहीं कुछ कर सकता गाइस, तुम समझ रहे हो। अगर कुछ मतलब तुम समझ जाओ यार, एज और ओनर ये मेरे को डिसीजन लेना है। अगर मैं क्रॉन्टेन बन के ये डिसीजन लेता तो भाई मैं ऑब्वियसली बात है कभी भी ये होने नहीं देता, क्योंकि और पहली बात देखो गाइस, लॉकडाउन में ये जो बैड टाइम था, मैं जो भी जितना उनके लिए कर सकता था मैंने किया, टीम मैंने कभी भी डिसबैंड नहीं करी थी, गेम बैन होने के बाद भी मैंने नहीं डिसबैंड करी थी। और जो भी मैं उनके जो भी सैलरी देता था या फिर जो भी चीज़ है वो मैंने अपने साइड से जो भी करी थी, तो और उन्होंने भी पूरा उनका 100% दिया था उसके लिए, नो डाउट। बट कुछ तुम थोड़े दिनों के बाद तुम समझ जाओगे। और गाइज ऐसा नहीं है कि उनको मैंने रिलीज कर दिया तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन भी दिए थे कि बस गॉडेल का नाम तुमसे हट जाएगा, दैट्स इट, और बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी होगी, तुम्हें तुम्हारी सैलरी, तुम्हें बूट कैंप, डिवाइस, एवरीथिंग। बट वो जो एक अटैचमेंट होती है ना, मुझे पता है बहुत बुरा लगा अलादीन को भी, रेत को भी, रेत ने तो अनफॉलो कर दिया था, वापस फॉलो कर दिया। यार देखो एज ऑर्ग ओनर मेरी जगह होते हैं ना, आप भी यही डिसीजन लेते हैं, और वो क्यों लिया है, क्या नहीं लिया, आप थोड़ा वेट करो, आने वाले डेज में आपको पता चल जाएगा। और गाइस देखो, मेरा एक ही टारगेट है, मुझे गॉड लाइक स्पोर्ट्स में, मेरा ड्रीम है जो कि मैं ये कंप्लीट करके रहूंगा। और मेरा ड्रीम है कि गाइस गॉड लाइक स्पोर्ट्स को इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना है, मेरे को इंडिया को भी रिप्रेजेंट करना है। और उसके लिए आने वाले कुछ महीनों में, आप तो मतलब तुम ये समझ के चलो कि ये एक बहुत सारी छोटी छोटी अनाउंसमेंट होगी, मतलब मान के चलो कि बहुत बड़ा प्लान है, मतलब बहुत ज़्यादा। और मुझे पता है इसके लिए, तुम्हारे प्लान्स के लिए तुम पुरानी टीम्स जो भी हुआ जो भी है वो नहीं कर सकते, बट एक और के अंडर दो टीम नहीं रह सकती, सो दैट्स वाई मेरे को ये डिसीजन लेना पड़ा है। बाकी आप समझ सकते हो, स्मोकी इज लव। हाँ यार स्मोकी भाई, देखो गाइस तुम्हें तुम्हें बस इतना लगता है कि डिसबैंड हुआ मतलब प्लेयर छोड़ के चले गए, इनके बीच में कॉन्ट्रोल, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने दोस्त हैं, सब भाई हैं, सब मिलके रहेंगे। बस यार अब एक रूल है, आपको पता है, एक और के अंडर दो टीम नहीं रह सकती, तो तुम समझ रहे हो। या तुम खुद सोचो ना, जब गॉड लाइक को प्लेयर छोड़ के जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कुछ बोलती है, नहीं बोलती ना, क्योंकि वो उनका डिसीजन होता है, वो उनके बेटर सारी चीजों के लिए वो ये डिसीजन लेते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं। अब कोई प्लेयर तो ऐसे भी थे गॉड लाइक में जो सीधा कॉन्ट्रैक्ट बिन्ट्रैक्ट कुछ नहीं, भाई सीधा हम दूसरा ऑर्ग में जा रहे हैं, फिर भी गॉड लाइक ने कुछ नहीं किया। तो मतलब मेरा विजन क्लियर है, सिंपल बात है, किसी को हर्ट नहीं करना है, अपने को बस आगे जाते रहना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और ये टीम के साथ मुझे पता है हम बहुत सारी चीजें कर सकते थे, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं, दैट्स वाई ये मैंने डिसीजन लिया हुआ है। मैंने मतलब मेरा जो पूरा ऑर्ग का मैनेजमेंट टीम है, मैं, वो मेरा भाई है और दो तीन लोग हैं, हम सब ने ये मिलकर डिसीजन लिया हुआ है। तो काफी बुरा लग रहा है, ऑब्वियसली बात है यार, एक महीना तुम सोचो ना, उस टाइम पे वो टीम टीम को मैंने सपोर्ट किया, उन्होंने भी गॉड लाइक का सपोर्ट किया, जब गेम बैन थी हम सब साथ थे, बट अभी बाकी तुम्हें क्या बोलूं। एस पावर, अरे हाँ, और बहुत सारी चीजें थी गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि एस पावर भी अभी खेल नहीं सकता कॉम्पिटेटिव, है ना, थ्री मैन स्क्वाड है, अभी हम फोर्थ प्लेयर ढूंढ रहे थे,
मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। ये तो चलो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये तो मेरे लिए कुछ मतलब ये नहीं था टीम डिसबैंड करने के लिए कि बस एक प्लेयर नहीं था तो मैं, ऐसा नहीं था, कुछ फ्यूचर प्लान्स थे उसके लिए मेरे को ये डिसीजन लेना पड़ा और कुछ नहीं है।